फिनाले से पहले ही विनर का नाम हुआ लीक। जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर का नाम अब पूरी तरह से लीक हो चुका है। मेकर्स ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर किसे बनाने वाले हैं। क्या वो मनीषा रानी को विनर बनाने वाले हैं? कहीं वो जिया शंकर को विनर तो नहीं बना लेंगे? वहीं फुकरा इंसान और एलविश यादव का क्या होने वाला है? कौन होगा विनर? चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर की, कि आखिरकार किसे विनर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिग बॉस के इस सीजन में 5 कंटेस्टेंट हमें सीधा सीधा फिनाले में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें पहला नाम फुकरा इंसान का होगा, दूसरा नाम होगा एलविश यादव का, तीसरा नाम होगा जिया शंकर का, चौथा नाम हम सबको पूजा भट्ट देखने को मिलेगी, और पांचवा होगा मनीषा रानी का। ऐसे में हम आपको बता दें कि खबरों की माने तो मनीषा रानी को बिग बॉस 5वें नंबर पर बिग बॉस के घर से बाहर निकाल देंगे, और मनीषा रानी को टॉप 4 में भी जगह नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात होगी। ऐसे में बात करें अगर चौथे नंबर पर कौन होगा, तो चौथे नंबर पर हम सबको पूजा भट्ट देखने को मिलेंगी। पूजा भट्ट टॉप 4 तक आ जाएगी, भले ही उन्हें मनीषा रानी से कम वोट मिले। बात करें तीसरे नंबर की, तो खबरें सेट से ये आ रही हैं कि मेकर्स ने अब पूरी तरह से तय कर लिया है कि वो तीसरे नंबर पर जिया शंकर को रखने वाले हैं। जी हाँ, जिया शंकर को वैसे वोट तो अच्छे खासे मिल रहे हैं, लेकिन मनीषा रानी से ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे। फिर भी मेकर्स ने अब तय कर लिया है कि वो जिया शंकर को तीसरे नंबर पर रखने वाले हैं। उसके बाद बारी आएगी पहले और दूसरे नंबर के कंटेस्टेंट की। तो खबरों की माने तो जब से इस हफ्ते यानी वीक 7 के बॉस मीटर का रिजल्ट आया है, उससे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एलविश यादव को जमकर सपोर्ट मिल रहा है। एलविश यादव को सबसे ज्यादा वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एलविश यादव ही बिग बॉस के विनर बने। जिस तरह से बिग बॉस सीजन 16 के विनर एमसी स्टैन देखने को मिले थे, और कहा गया था कि वोटिंग के आधार पर एमसी स्टैन काफी आगे थे, इसलिए एमसी स्टैन को विनर घोषित कर दिया गया था। ऐसे में अब आपको बता दें कि इस सीजन में एलविश यादव को भी तगड़े वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो खबरों की माने तो एलविश यादव ही बिग बॉस के विनर बनेंगे। अगर बॉस मीटर के जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है, बॉस मीटर में जिस तरह से एलविश यादव फुकरा इंसान से 7 से 8 लाख वोट आगे हैं, तो वैसे इससे ये साबित हो रहा है कि अब विनर कोई और नहीं बल्कि एलविश यादव ही होने वाले हैं। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।